खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। अनुपम सुमन अगस्त में वीआरएस लेकर रिटायर हो गए, लेकिन अब सुमन विवाद में नया विवाद सामने आया है। जिस सुरेश शर्मा ने अनुपम सुमन को विलेन बता दिया था, वही उनकी तारीफ करने वालों में थे। पुराना वीडियो है, लेकिन आज उस बयान के कई मायने। देखा कि 2 साल पुरने वाला है और क्या हुआ, क्या खोए, क्या पाए, तो हमने त्वरित ढंग से अनुपम जी को कहा कि आपके नगर निगम का रिव्यू करो। उन्होंने कहा वेलकम है सर, और मैंने इसलिए रिव्यू किया कि जो बातें रिपोर्ट कार्ड में आ रही है, जो बातें हम देख रहे हैं, जो बात हम सुन रहे हैं, वह हम अपने पदाधिकारी से भी जानकारी लें, और बिल्कुल सच मिला जो उन्होंने कहा। और आप वार्ड पार्षद गण भी उसी का समर्थन कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि महापौर अनुपम जी के लिए एक जोरदार ताली बजाकर उनकी साथ। तो बिहार के नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा का एक पुराना वीडियो है, जोरदार तालियां उन्होंने बजवाई, तारीफों के पुल बांधे उन्होंने अनुपम सुमन के लिए। तारीफ तब की है जब पटना सामान्य था, लेकिन अब जब पटना डूब गया तो अपराध सुमन के ही माथे बन रहा है। देखिए, किसी भी नगर आयुक्त जो आते हैं उनको काम समझने में समय लगता है, लेकिन ये ट्रांसफर हम लोगों के जिम्मे नहीं है। यह ट्रांसफर होता है आपको सामान्य प्रशाखा से, सामान्य प्रशासन जिसके मुखिया होते हैं नीतीश कुमार, सामान्य प्रशासन से ही ये ट्रांसफर होता है। और उसमें जो है हम लोग ट्रांसफर पोस्टिंग में इसमें नहीं रहते हैं, और जो भी स्मार्ट सिटी के लेवल पर जो लोग आए हैं उसमें आम तौर से आईएएस लोगों का पोस्टिंग हुआ है, तो वो पोस्टिंग स्वाभाविक तौर सामान्य प्रशासन। लेकिन यहाँ पर तो आईआरएस की पोस्टिंग हुई है, और वो भी बिहार के कैडर के नहीं, वो बाहर के रहने वाले हैं, जो अभी आपके लगातार थे अनुपम यहाँ पर कमिश्नर। जो भी हुई है वह सब सामान्य प्रशाखा से ही हुई है। मैं मानता हूँ कि जो इसके पहले नगर आयुक्त थे वह किसी की बात नहीं समझते थे, ना कोई राय विचार लेते थे, और अगर हम लोग कुछ उनको फ़ोन करके बोलते भी थे तो उस बात को वो इग्नोर करते थे। तो हम समझते हैं कि इस तरह की बात नहीं, हम लोगों की जानकारी में अगर पहले से कुछ होती तो संभव था कि हम लोग उसका ज़्यादा इंतजाम करते, और उसके जो घटना घटी उसमें ये बातें नहीं आ सकती थी।